बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से है कंट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट कंपोनेंट्स। कंट्रा वेरिएंट कोवेरिएंट कंपोनेंट्स पे डायरेक्ट डेफिनेशंस पे जाने से पहले हमें कुछ इसके कॉन्सेप्ट कवर करना चाहूँगी। हाँ, हम लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट क्या होता है। कंट्रा का मतलब होता है कंट्रेरी, मतलब ऑपोजिट, और वेरिएंट मतलब चेंज, ऑपोजिट टू चेंज जो होएगा, मतलब कंपोनेंट एंड बेसिस वेक्टर इनके इंडेक्स जो होंगे वो ऑपोजिट टू होंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिस्टम है, एक वेक्टर लेते हैं, रैंक वन का वेक्टर ओ ए। एक वेक्टर मैंने लिया ए, रैंक वन होती है वेक्टर की, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स एंड बेसिस वेक्टर्स क्या होंगे? एक्सिस के अलोंग हम लेंगे एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे वाई कंपोनेंट, और जी एक्सिस के अलोंग फर्ज करें कि वो जी कंपोनेंट है, वो ये है। और इस वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो विद द बेसिस वेक्टर्स कैसे लिखा जाएगा? बेसिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम आई लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे एंड जी एक्सिस के लॉन्ग के लेते हैं। तो ओ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं रोटेट करवा दूँ, मतलब कि पहले मेरा जो सिस्टम था ऐसे है, अगर इसको रोटेट करवाऊँ थोड़ा सा तो वो कुछ इस तरह से, पहले है ऐसे एक्स वाई एंड जी, और इसको रोटेट करवाने के बाद ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, वाई प्राइम जी प्राइम हो जाएंगे। एक्स प्राइम आई प्राइम, इसके बेसिस वेक्टर्स भी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम वो भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होता है तो वेक्टर के कंपोनेंट भी चेंज होते हैं और उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसके बेसिस वेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, ये हमने सीखा। अगर मैं नॉन ऑर्थोगोनल 2D में, नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम में एक वेक्टर, अगर यही वेक्टर ए में लूँ तो वो किस तरह से होगा? नॉन ऑर्थोगोनल क्यों लिया मैंने, ऑर्थोगोनल क्यों नहीं लिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नॉन ऑर्थोगोनल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया एक्स वन एक्स टू, मेरे पास ये कोई नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम, और यहाँ वेक्टर ए है, तो इसके अब इस यहाँ से नॉन ऑर्थोगोनल में इसकी जो प्रोजेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो एक तो ये बनेगी पैरेलल टू वेक्टर और एक इसके परपेंडिकुलर बनेगी। इसकी दो प्रोजेक्शन बनती हैं फॉर नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम। सपोज कर लें कि ये एक्स वन एक मैंने सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा और एक सब सबस्क्रिप्ट में लिखा है। यहाँ से मेरे पास दो तरह के कंपोनेंट्स बनते हैं, कोवेरिएंट कंपोनेंट एंड कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके इंडेक्स सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। तो कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट, एक्स वन एक्स टू जो होगा ये मेरा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का, और अगर मैं सबस्क्रिप्ट में लिखा तो ये मेरा कोवेरिएंट कंपोनेंट होगा और वेक्टर ए। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या बताना चाह रही हूँ। 2D नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम में ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे, मैंने ऑर्थोगोनल क्यों नहीं लिया? अगर मैं ऑर्थोगोनल लेती, फॉर एग्जांपल इस तरह से लेती ऑर्थोगोनल के वेक्टर ए है और यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स बनने थे वो परपेंडिकुलर, एक ही मतलब प्रोजेक्शन बनना था यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो एक ही प्रोजेक्शन बनना था इस एक्सिस में एक्स वन एंड एक्स टू। दो प्रोजेक्शन बनाने के लिए मतलब एक पैरेलल टू वेक्टर बना वेक्टर ए एंड एक परपेंडिकुलर टू वेक्टर बना,
यहाँ पे मेरे पास दो प्रोजेक्शन बनते हैं, वहाँ से मेरे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं, कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट जिसको हम एक को कहेंगे कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट, अगर सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखे गए इंडेक्स तो कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट होंगे, और अगर सबस्क्रिप्ट में लिखे गए इंडेक्स तो हम इसको कोवेरिएंट कंपोनेंट बोलेंगे। वहाँ से हमने सीखा था कि आफ्टर रोटेशन कंपोनेंट चेंज एंड बेसिस वेक्टर दोनों चेंज हो जाते हैं आफ्टर रोटेशन, मतलब या फिर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लें किसी वेक्टर के लिए तो उसके कंपोनेंट भी चेंज होंगे। किसी वेक्टर को किसी नए मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो उसके बेसिस वेक्टर भी चेंज होते हैं और उसके कंपोनेंट भी चेंज हो जाते हैं, कंपोनेंट चेंज एंड दूसरी के उसके बेसिस वेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। ये दो कंडीशन थी और कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट का कॉन्सेप्ट, और इसको मजीद देखते हैं। अब देखिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स क्या होते हैं, इफ एंड क्वांटिटीज एंटी क्वांटिटी मतलब कंपोनेंट, जिस तरह मैंने यहाँ वेक्टर लिया था वेक्टर के कंपोनेंट, ये कंपोनेंट थे एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और आई जे के इसके बेसिस वैक्टर्स थे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम ये इसके कंपोनेंट्स थे। इसी तरह मैंने यहाँ पे एन क्वांटिटी मतलब इसके कंपोनेंट्स किसी वैक्टर्स के लिए, एन कंपोनेंट्स हैं इन एन डायमेंशनल स्पेस में इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वन एक्स टू एक्स एन, मतलब इसका हर एक कंपोनेंट इस सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है, इसका ये कंपोनेंट इस पर डिपेंड करता है, ये एंथ कंपोनेंट इसका इस एम मतलब बार एन इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो क्वांटिटीज हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या फिर कह सकते हैं कि इन दो में रिलेशन होगा, वो कुछ इस तरह से रिलेशन पाया जाएगा इनके कंपोनेंट्स का, इस तरह से होगा कि ए बार, फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बार पी इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे इंडेक्स मैंने सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए, वेक्टर्स में का जो कंपोनेंट होते हैं उनका जो इंडेक्स होता है वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और इसी के सामने जो इसके जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे रिलेटेड होगा उसका कंपोनेंट भी या उसका कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ नोमिनेटर में लिखेंगे और उसका इंडेक्स भी सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और ये ऊपर भी हो सकता है और इसका दूसरे कंपोनेंट, ये ए क्यू एंड ए पी आर था, एक ही इंडेक्स यूज किया गया या इसका रैंक या ये ऑर्डर वन के है, या फिर कह दें कि इसका एक ही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यूज की गई है, तो इसलिए इसका रैंक वन है, और अगर इसका रेसिप्रोकल लिया जाए या फिर इसका रेसिप्रोकल हम लें तो वो किस तरह से बनेगा कि इसका नोटेड दैट इनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंडेक्स होगा वो ऑलवेज सुपर सबस्क्रिप्ट में ही रहेगा। यहाँ भी देखें आप कंट्रावेरिएंट में वेक्टर में भी जो कोऑर्डिनेट था उसका इंडेक्स सुपर सबस्क्रिप्ट में ही रहा, और यहाँ भी कोवेरिएंट वेक्टर में कोऑर्डिनेट का जो इंडेक्स है वो भी सुपर सबस्क्रिप्ट में ही रहेगा, और जो चेंज आएगा वो कंपोनेंट में चेंज आएगा, कंपोनेंट में कोवेरिएंट है तो उसका इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में रहेगा, अगर कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो उसका इंडेक्स सुपर सबस्क्रिप्ट में ही रहेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ही इसके नॉमिनेटर में लिखा कोऑर्डिनेट को उसका इंडेक्स भी सुपर सबस्क्रिप्ट में ही, उससे रिलेटेड कोऑर्डिनेट ही नॉमिनेटर में लिखा जाएगा और वो उसका इंडेक्स भी सुपर सबस्क्रिप्ट में ही लिखा जाएगा। और कोवेरिएंट वेक्टर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि उसके कंपोनेंट में जो इंडेक्स होगा वो सबस्क्रिप्ट में होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भी डिनोमिनेटर में होगा, कोवेरिएंट वेक्टर्स में डिनोमिनेटर में होता है और कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स में वो नॉमिनेटर में लिखा जाता है, उसका इंडेक्स सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और जो कोऑर्डिनेट होता है उसका इंडेक्स हमेशा सुपर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, चाहे वो कोवेरिएंट वेक्टर्स है चाहे वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स है। और बस इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो इस तरह से बनेगा कि इसका अगर रेसिप्रोकल भी लें तो भी ऐसे होगा कि इसका जो इंडेक्स होगा सुपर सबस्क्रिप्ट में ही लिखा जाएगा, जिससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट है ए बार वाला है तो उसका कोऑर्डिनेट नोमिनेटर में ही है, अगर वो बार वाला नहीं है मतलब जिस तरह ये बार के बगैर है तो उसका जिस कोऑर्डिनेट में होगा जो होगा वो नोमिनेटर में ही लिखा जाएगा और बार के बगैर वाला होगा और इससे रिलेटेड इधर होगा और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा इधर। और कोवेरिएंट वेक्टर्स में अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो वो इस तरह से होगा, और ये क्योंकि कोवेरिएंट वेक्टर्स हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, कंट्रावेरिएंट वेक्टर में हम उससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट होता है वो नोमिनेटर में लिखते हैं। ए क्यू एंड ए बार पी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर फील्ड ए इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सारा हमारे पास एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये वेक्टर फील्ड क्या होता है, जिस तरह एक हमारे पास एक होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक ऐसा वेक्टर फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसके हर पॉइंट पर हम एक वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर अगर वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं ऐसी फील्ड को हम कहते हैं ये वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड ये वेक्टर फील्ड के ये सारे कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर फील्ड के अगर हर कंपोनेंट के साथ हम एक वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं तो वो ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड बन जाता है। ये वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट था। कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स
और उसके कंपोनेंट्स में आपस में क्या रिलेशन होते हैं, और उनके कंपोनेंट्स के में का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो किस तरह से होता है। ये रैंक वन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इंडेक्स यूज किया गया, इसलिए इसका रैंक, या फिर कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ये ऑर्डर वन का है, या इसका रैंक वन है। और ये कोवेरिएंट वेक्टर्स एंड कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स थे एंड डायमेंशनल स्पेस। सिमिलरली अगर हम रैंक टू के, रैंक टू में बात करें कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक टू, और इफ एन स्केयर क्वांटिटीज इन, यहाँ दो इंडिसेस यूज किए गए हैं, क्यू एंड एस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, इसके जो इंडेक्स होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखा जाएगा। और ये मेरे पास एन स्केयर क्वांटिटीज इन इंडिसेस क्यू एस था, और यहाँ पे ए बार पी आर है। देन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनके इनमें जो कंपोनेंट्स का आपस में जो रिलेशन होगा वो इस तरह से कुछ होगा कि ए बार पी आर। यहाँ देखें कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर में, ये कंट्रावेरिएंट की एग्जांपल है ये वाली, ये कंट्रावेरिएंट के लिए है, कंट्रावेरिएंट एंड रैंक टू के कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन होगा ये कंट्रावेरिएंट के लिए, और ये कोवेरिएंट के लिए। कंट्रावेरिएंट में देखें कि इसमें जो मैंने बताया था इंडेक्स होता है वो सुपर स्क्रीन में ही रहता है और इससे रिलेटेड में ही रहेगा, और को कंट्रावेरिएंट वेक्टर में ये सुपर स्क्रीन में है तो इसके सुपर स्क्रीन में ही लिखा जाएगा। और ये क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी एंड एस विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इनके इंडिसेस इस तरह से लिखे जाएंगे। इस तरह इसी तरह सिमिलरली हम कोवेरिएंट में अगर बात करें, कोवेरिएंट टेंसर में क्या होगा, कोवेरिएंट टेंसर में जो होता है हमारे इंडेक्स, इंडिसेस जो होते हैं वो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसी तरह ये डिनोमिनेटर में ही रहेंगे पी एंड आर। और क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी जो चेंज आया वो इधर क्यू पहले लिखा जाएगा, और आर एस जो विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज आया वो एस बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि आर बाद में था तो एस विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज आया वो भी बाद में लिखा जाएगा। इस यहाँ किस तरह से लिखना है, यहाँ ये किस तरह से लिखना है, और ये किस तरह से लिखना है, ये सारा आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इन्हीं पे बेस्ड हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं, तो ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आपको। मिक्स टेंसर क्या होता है, मिक्स टेंसर में सुपर स्क्रिप्ट भी आ जाता है, सब स्क्रिप्ट में भी एक इंडेक्स आ जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ मैंने पी लिया, और सब स्क्रिप्ट में यहाँ मैंने आर लिया। तो देखें कि सुपर स्क्रिप्ट में है तो उसका सुपर स्क्रिप्ट में ही रहेगा, और क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी चेंज आया तो वो भी सुपर स्क्रिप्ट में ही रहेगा। और यहाँ जो आर है और एस विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज आया, और ये सब स्क्रिप्ट में था, इससे रिलेटेड जो एस था वो भी सब स्क्रिप्ट में ही रहेगा। और ये रैंक टू का मेरे पास ये मिक्स टेंसर है, रैंक टू के थे, एन स्केयर क्वांटिटीज थी इसमें, कि क्वांटिटीज किस तरह से चेंज होती है ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि एन स्केयर है, एन क्यूब है, एन फोर है, तो किस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसके बनते हैं। इसके देखें कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी विद रिस्पेक्ट टू डी टू टाइम्स है, या फिर इसका इंडिसेस ट्वाइस है, तो ये रैंक टू के हमारे पास ये टेंसर है, कंट्रावेरिएंट टेंसर है, और ये मेरा कोवेरिएंट टेंसर है। बस कोवेरिएंट में याद रखना है कि वो सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, उससे कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ लिखा जाएगा। और अगर कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो उसके जो इंडिसेस होंगे वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, और उसी से कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा वो भी नॉमिनेटर में ही लिखा जाएगा, और इससे रिलेटेड जो चेंज आएगा वो भी सुपर स्क्रिप्ट में ही रहेगा इन कंट्रावेरिएंट टेंसर। अब हम देखते हैं क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी हुआ था लास्ट टाइम 2017 में, आई थिंक पेपर में क्वेश्चन आया था। क्रोनिकल डेल्टा का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्रोनिकल डेल्टा को हम डेल आई जे, मतलब इसमें सुपर स्क्रिप्ट भी आ जाता है, सबस्क्रिप्ट भी आ जाता है, और ये इक्वल किसके होता है, अगर आई सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सेम हो जाए तो हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा डेल जो है वो हमें वैल्यू वन देगा, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो, मतलब बहुत हार डिफरेंट हो, तो हमें ये वैल्यू जीरो देगा। डेल आई जे इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट भी आ जाता है और इसमें सबस्क्रिप्ट भी हो जाता है, तो इस तरह से हो सकता है एक्स बार आई ओवर एक्स बार जे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई जे, या दोनों को सबस्क्रिप्ट में लिख दें, या दोनों को सुपर स्क्रिप्ट में लिख दें, या दोनों को सबस्क्रिप्ट में लिख दें, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एक को सब कर दें, एक सुपर स्क्रिप्ट में लिख दें एक इंडेक्स, और एक इंडेक्स हम सबस्क्रिप्ट में लिख दें, अगर ये दोनों सेम है तो वैल्यू वन, अगर डिफरेंट है तो वैल्यू हमें जीरो देगा। और या फिर इसको अगर देख लें कि वेरिएबल अगर सेम हो जाए तो हमें ये वैल्यू वन देता है, अगर वेरिएबल्स इनके डिफरेंट हो जाए तो वैल्यू हमें ये जीरो देगा, इस तरह से समझ लें। और ये वेरिएबल डिफरेंट हैं तो हमें ये वैल्यू जीरो, तो वेरिएबल अगर सेम है तो वैल्यू वन देगा। और ये क्रोनिकल डेल्टा का कॉन्सेप्ट था,
इन्हीं पे बेस्ड हम अब टोटल क्वेश्चन डाटा में करते हम हैं। क्या करते हैं कि एक इंडेक्स को हम कंट्रावेरिएंट में लिखते हैं और एक इंडेक्स को हम कोवेरिएंट में लिखते हैं, या फिर दोनों को ही कोवेरिएंट में लिख लें, या दोनों इंडेक्सेस को ही कंट्रावेरिएंट में लिख लें। ये क्रॉनिकल डाटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये फॉर्म भी और ये फॉर्म, ये चार फॉर्म में लिखा जा सकता है क्रॉनिकल डाटा। और सेम होता है, सेम वेरिएबल है तो वैल्यू 1 आएगी, और डिफरेंट हो जाए तो ये वैल्यू 0 देता है। ये दो ही वैल्यू देता है क्रॉनिकल डाटा, अगर इन दोनों के इंडेक्स सेम हो जाए तो 1, डिफरेंट है तो 0। और दोनों को कोवेरिएंट में लिख लें, दोनों को कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिख लें, या एक को लिख लें कंट्रावेरिएंट में और एक को लिख लें कोवेरिएंट फॉर्म में इंडेक्स को, तो ये भी क्रॉनिकल डाटा की फॉर्म है। अब हम देखते हैं कंट्रैक्शन में क्या होता है। कंट्रैक्शन में क्या करते हैं कि इफ वी सेट द टेंसर 1 कंट्रावेरिएंट एंड 1 कोवेरिएंट इन दिस इज इक्वल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई टेंसर है ए आई जे के एल एम, ये मेरे पास टेंसर है। कंट्रैक्शन में बस एक ये क्या करना है कि एक कंट्रावेरिएंट एक कोवेरिएंट वेक्टर को इक्वल कर देना है, और यही सारा प्रोसेस मेरा कंट्रैक्शन होता है। अब मेरे पास यहाँ पे जो फ्री इंडेक्स है आई जे के एल एम, यहाँ पे 5 है, तो 5 अगर मेरे पास फ्री इंडेक्स है तो इसका रैंक कितना, वो भी 5 होगा। 5 का ये मेरे पास एक टेंसर है। अब इसको मैंने कंट्रैक्शन मतलब एक कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट के इक्वल करना है, वो किस तरह से होगा, ये इसकी किस टाइप का है, ये भी टाइप भी आप देख लें कि टेंसर की टाइप एंड टेंसर का रैंक क्या होता है। रैंक मैंने बता दिया कि जितने फ्री इंडेक्स होंगे वो इसका रैंक होगा। अब ये इसका रैंक अगर बताना हो तो ये कितने रैंक का टेंसर है, तो ये रैंक 5 है, क्योंकि इसमें आई जे के एल एम, एल ये एल है, एल एम, यहाँ पे 5 फ्री इंडेक्स यूज किए गए, इसका रैंक 5 है। और अगर मैंने इसमें टाइप बतानी है, 3 कंट्रावेरिएंट है और 2 कोवेरिएंट इंडेक्स है, तो इसका जो टाइप होगी वो 3-2 टाइप का ही मेरे पास टेंसर होगा। अब इसको मैंने रिड्यूस करना है। रिड्यूस इसके कैसे करेंगे कि अगर मैं आई इज इक्वल टू एल कर लूँ, यहाँ पे आई इज इक्वल टू अगर मैं एल करूँ तो ये बन जाएगा टेंसर आई जे के आई एम। आई अब इसमें डमी इंडेक्स हो गया, और फ्री इंडेक्स जे के एम है, इसमें 3 ये फ्री इंडेक्स है, तो इसका रैंक अब ये 5 से 3 में रिड्यूस हो गया, इसका अब रैंक बन गया है 3। और टाइप हो गई ये 3-2, इसकी टाइप का था, लेकिन आफ्टर रिड्यूस करने के बाद या आफ्टर कंट्रैक्शन इसका जो टाइप बन जाएगी वो टाइप इसकी क्या होगी, 2 है कंट्रावेरिएंट और 1 है इसका कोवेरिएंट। तो ये टाइप 2,1 का बन गया, पहले ये टाइप 3,2 की थी और इसका रैंक 5 था, और 5 से ये 3 में रिड्यूस हो गया। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं एक कंपोनेंट लूँ पी क्यू आर, इसमें 3 फ्री इंडेक्स यूज़ किए गए हैं, तो इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा। और आफ्टर रिड्यूस करना है हमने 3 को 1 में, इसका 2 लेस कर देना होता है इसका रैंक, तो वो रिडक्शन कंट्रक्शन हो जाती है। ए बार आई जे, तो इसमें क्योंकि कंट्रा वेरियंट है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा वो नॉमिनेटर में ही रहेगा, बार आई एक्स बार जे, और के क्योंकि सबसेग्रीड में तो ये नीचे ही आएगा के, और यहाँ से पी क्यू आर। आफ्टर ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिशन देखें कि इसमें कंट्रैक्शन किस तरह से होगी। अभी इसका जो रैंक है वो 3 रैंक है, ये टेंसर है, रैंक इसकी 3 है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि अगर इसको मैं के को रिप्लेस कर दूं विद आई, के इज इक्वल, अगर मैं आई लूँ यहाँ पे ए बार आई जे आई इज इक्वल टू बार एक्स पी जे ओवर क्यू पार्शल एक्स आर ओवर पार्शल एक्स बार आई ए पी क्यू आर। तो चेन रूल देखें, यहाँ पे चेन रूल लगता है कि आई इधर भी एक्स बार आई है, इधर भी एक्स बार आई है, और ये आर और पी पे चेन रूल लग जाएगा। तो मेरे पास ये बार आई जे आई आफ्टर चेन रूल, ये तो एज इट इज ही रहेगा, पार्शल एक्स आर ओवर पार्शल एक्स पी ए पी
PQR इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब 3 to 1 में जाना है। अब इसमें देखें कि मैं R को भी रिप्लेस कर देती हूँ विद P, R को रिप्लेस कर दें विद P तो क्या बन जाएगा, A बार आई जे आई इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स क्यू। पार्शियल एक्स आर को मैंने रिप्लेस कर दिया विद पी, ए पी क्यू पी ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रैंक वन का होता है तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन में डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वो भी वन हो जाता है तो ये भी ये वन हो जाएगा कैंसिल आउट होके। ए बार आई जे आई इज इक्वल हो जाएगा पार्शियल एक्स बार जे ओवर पार्शियल एक्स क्यू ए पी क्यू पी। यहाँ भी फ्री इंडेक्स वन है और यहाँ भी फ्री इंडेक्स, आई इसका डमी इंडेक्स है और जे इसका फ्री इंडेक्स वन है तो इसका जो यहाँ जो रैंक होगा वो रैंक वन हो गया। अब रैंक थ्री से हम मैंने इसको रिड्यूस कर दिया रैंक वन में, हम रैंक थ्री का लेके चले थे अब रैंक वन में इसको रिड्यूस कर दिया है तो अब यहाँ भी ये टू लेस हो गया जो मैंने पहले किया था, यहाँ भी ये टू लेस हो गया था तो इसका मतलब यहाँ से हम रिजल्ट कह सकते हैं कि जो आफ्टर कंट्रैक्शन जो टेंसर का रैंक होता है वो टू लेस हो जाता है। अगर टेंसर का रैंक अगर एन हो तो आफ्टर रिडक्शन उसका जो रैंक होगा वो एन माइनस टू हो जाता है और अगर इसके ये टाइप एन एस टाइप का हो, टाइप इसकी एन एस हो तो वो भी एन माइनस वन और एस माइनस वन हो जाती है, वन टाइम लेस हो जाती है। यहाँ पे देखें ये 3 2 टाइप का था और यहाँ 2 1 का रह गया तो इसकी जो टाइप हो जाती है वो एक वन लेस हो जाती है और इसका जो रैंक होता है वो टू लेस हो जाता है, रैंक टू लेस हो जाता है और टाइप एन माइनस वन और एस माइनस वन रह जाते हैं। ये भी इसके भी बहुत से एम सी क्यूज बन सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं एम सी क्यूज के तो इसको अच्छी तरह से समझ के जाइए कि अगर रैंक निकालें कंट्रैक्शन में जो रैंक होता है वो टू लेस हो जाता है और जो टाइप होती है वो वन लेस हो जाती है कंट्रा वेरिएंट एंड कोर वेरिएंट में एन माइनस वन डेल्टा एंड कंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। नेक्स्ट अब उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड हम एम सी क्यूज देख लेते हैं कि एम सी क्यूज किस तरह से बन सकते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रा वेरिएंट टेंसर के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लें कि क्या मैंने बताया था। कंट्रा वेरिएंट जो टेंसर होता है उसमें एक तो इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में होते हैं तो कंट्रा वेरिएंट टेंसर ही नहीं है। कंट्रा वेरिएंट टेंसर में क्या होता है इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन यहाँ सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में नहीं है तो ये राइट ऑप्शन नहीं है हमारा। नेक्स्ट अगर इसको देखें, अगर ये बार वाला कंपोनेंट है लेकिन ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में भी नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लेकिन कंट्रा वेरिएंट में तो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में रहता है तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर इसी ऑप्शन को देखें, अगर ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है तो ठीक है ये हो सकता है, ये बार इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट होगा वो न्यूमरेटर में होगा, ये बार वाला है ये भी बार वाला कंपोनेंट और इसका इंडेक्स भी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है और ये सुपर में है तो ये भी ये सब प्योर या सुपर हो सकता है लेकिन अगर कंट्रा वेरिएंट टेंसर में क्या होता है कि ये एक तो ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म है तो उससे रिलेटेड ही जो कोऑर्डिनेट होता है वो भी सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में ही रहता है, ये बार वाला तो ये भी बार वाला, अगर ये बार वाला ना होता तो इधर भी बार ना होता तो ये हमारा राइट ऑप्शन बताया ये कंट्रा वेरिएंट टेंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ अगर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है लेकिन ये बार वाला कंपोनेंट कोऑर्डिनेट दे दिया लेकिन इधर तो कंपोनेंट जो है वो विदाउट बार है और इधर बार वाला दे दिया तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पूछा गया है समेशन कन्वेंशन ऑफ CI11। यहाँ पे देखें कि हमारा जो आई इंडेक्स है वो फिक्स है या फ्री इंडेक्स है, आई हमारा फ्री इंडेक्स है और नीचे जो इंडेक्स है वो रिपीट हो रहा है, इसका समेशन कन्वेंशन क्या बन सकता है, आई हमारा फिक्स है नीचे वेरी कर रहा है तो इसका जो बनेगा समेशन कन्वेंशन अगर लें तो सी आई नीचे रिपीट हो रहा है या नीचे कहते हैं कि डमी इंडेक्स है तो वो जे जे कर लें नेक्स्ट तो ये इसकी जो रेंज होगी वो 1 to 8 होगी, आई या जे वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 to 8 तो समिशन कन्वेंशन में से सी आई जे जे लिख सकते हैं, सुपर सक्रिप्ट फॉर्म में भी वही है सब सक्रिप्ट में फॉर्म में भी वही है लेकिन उसे समिशन कन्वेंशन लिखने से हम ये नहीं लिख सकते इस फॉर्म में तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें तो सी आई
और सुपरसिक्रिप्ट फॉर्म में आई लिखा है और सबस्क्रिप्ट फॉर्म में जे के लिखा है, लेकिन यहाँ तो रिपीट हो रहा है कि यहाँ जो लिया जाएगा इंडेक्स वही उसका डमी इंडेक्स लेना है, तो ये तो डमी इंडेक्स नहीं है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, ये डमी इंडेक्स है, लेकिन आई फ्री इंडेक्स है और जे इसका डमी इंडेक्स है और मिशन कन्वेंशन इस पे लग सकती है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें कि तो यहाँ भी ये डमी इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे भी ये के हमारा फ्री इंडेक्स है और आई हमारा डमी इंडेक्स है, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ एन इज इक्वल टू 3 देन एक्सप्रेशन हैज डैश नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू 3 हमें रेंज दे दी गई है और एक्सप्रेशन दे दिए गए, बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इस मिशन कन्वेंशन लगा के चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे भी देख लें कि 3 है और आई एंड जे यहाँ डमी इंडेक्स है, 2 डमी इंडेक्स है, एन इज इक्वल टू 3, 3 रेस्ट बार 2 इज इक्वल टू 9 ही बनेगा, फर्स्ट राइट ऑप्शन 9 बनता है इसका, फिर भी चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा कि हम यहाँ डमी इंडेक्स आई एंड जे बोथ है तो आई पे भी समेशन लगेगा और जे पे भी, 1 2 3 और जे 1 2 3, एक्सप्रेशन हमारा ए आई जे एक्स आई एक्स ए, मिशन जब हम जे की रिस्पेक्ट में एक दफा अप्लाई करेंगे तो 3 I1 XI X1 प्लस AI2 XI X2 AI3 XI एंड X3, तीन टर्म्स बन गए। और नेक्स्ट जब आई अप्लाई करेंगे, आई अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई भी इस पे भी, और मतलब ये जो सबमिशन अंदर जाएगा सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके साथ भी लग जाएगा AI1 XI X1, सबमिशन आई वेयर फॉर 1 2 3 AI2 XI X2, सबमिशन आई वेयर फॉर 1 2 3 AI3 XI एंड X3। जब सबमिशन अप्लाई करेंगे तीन टर्म्स हमें यहाँ से मिलेंगी और तीन टर्म्स हमें यहाँ से मिलेंगी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, टोटल हमें जो मिलेंगी यहाँ से टर्म्स हमें 9 टर्म्स मिलेंगी, हमसे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा गया है, तो टोटल आप सबमिशन अप्लाई करके देखें तो क्योंकि इसकी जो रेंज है 1 2 3 है और इसकी भी रेंज 1 2 3, इसकी भी रेंज 1 2 3, 3 टर्म्स यहाँ से मिलेंगी, 3 टर्म्स यहाँ से, 3 टर्म्स यहाँ से, टोटल हमें 9 टर्म्स मिलती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है कि एन इज इक्वल टू 3 हो, दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस 9 नंबर ऑफ टर्म्स। अमिक्स टेंसर हैज मैक्स मिनिमम रेंज, मिनिमम रैंक कितना होता है, एक कंट्रा वेरियंट होता है, एक को वेरियंट होता है, इसका रैंक 2 होता है, और अगर सिंगल हम लें तो या तो ये को वेरियंट हो सकता है या फिर ये कंट्रा वेरियंट हो सकता है, और मैक्स मिनिमम जो रैंक होता है मिक्स टेंसर का वो 2 ही हो सकता है, या इससे ज़्यादा हम करें तो रैंक 3 बन जाएगा, लेकिन मिनिमम जो रैंक होता है मिक्स टेंसर का वो 2 ही बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स टेंसर फॉर्म, मिक्स टेंसर फॉर्म कौन सी हो सकती है, मिक्स टेंसर कहते हैं कंट्रा वेरिएंट में हो, को वेरिएंट फॉर्म में हो, तो ये तो को वेरिएंट में है और ये भी कंट्रा वेरिएंट में है, मिक्स टेंसर ये है कंट्रा वेरिएंट में है, को वेरिएंट में, तो सी ऑप्शन राइट है, एक इंडेक्स इसका कंट्रा वेरिएंट में, एक को वेरिएंट में, सी राइट है, और एम्प्टी सेट इसमें कोई इंडेक्स ही नहीं दिया गया, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर रैंक 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 3, रैंक 3 हमने देखना है, तो ये क्योंकि 3 5 यहाँ पे हमारे फ्री इंडेक्स हैं तो इसका रैंक 5 बनता है, लेकिन हमसे पूछा गया रैंक 3, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं बनता। इसमें देखें कि आई यहाँ पे हमारा डमी इंडेक्स है और ये रैंक 3 बनता है, क्यू आर एंड जे आर द फ्री इंडेक्स, सो इट्स रैंक इज 3, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी अगर देखें तो आई जे यहाँ पे डमी इंडेक्स है और आर यहाँ पे फ्री इंडेक्स है और इसका रैंक 1 बनता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमसे रैंक 3 का पूछा गया, और यहाँ भी देखें तो रैंक पी यहाँ पे डमी इंडेक्स है और आर इसका फ्री इंडेक्स है और इसका रैंक 1 बनता है और हमसे 3 पूछा गया, तो ये भी राइट नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसर इज अ टाइप ऑफ 3 2 एंड रैंक 5, टाइप 3 टिक्यू हो मतलब उसका जो कंट्रा वेरियंट होगा वो 3 होगा, कोवेरियंट 2 होगा, 3 2 टाइप का हो और रैंक उसका 5 हो, ये मैं कंट्रैक्शन का टॉपिक जब करवाया था उसमें ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, रैंक 3 हो
वेरिएंट 3 एंड को वेरिएंट 2 एंड रैंक भी 5 है इसके। 5 फ्री इंडेक्स हैं, इसका रैंक 5 बनता है। कांटा वेरिएंट भी 3 है और को वेरिएंट 2 है। हमारा यहाँ बी ऑप्शन राइट बनता है। अगर इसको देखें तो इसमें 3-2 टाइप का नहीं बनता, ये 2-2 टाइप का बनता है, 2,2, और ये भी 2,1 टाइप का बनता है, और ये 1,1 टाइप का बनता है। वैसे भी इसकी रैंक 5 इसी की ही थी, रैंक 5 का और 3,2 टाइप का। टेंसर हमारे पास यही बनता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट।